हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज में, स्पेशली डिजाइन फॉर माय सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, अगेन दिस इज बीइंग रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय व्यूअर। काफ़ी व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो इस वीडियो में हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। You have to write you have to write a menu driven program in Python to calculate the length of a string and check whether the first character of each word in the string is uppercase or not, and at last you have to calculate the reverse of the string, right? अब देखो, menu driven जो हमारे programs होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? होटल में जाते हो खाना खाने, right? वहाँ पर आप लोगों को एक मेन्यू कार्ड मिलता है। उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। कॉन्टिनेंटल में ये है, इटालियन में ये है, चाइनीज़ में ये है, साउथ इंडियन में ये है। फिर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करते हो कि आपको क्या क्या खाना है, राइट? सिमिलरली हम अपने प्रोग्राम में हमारे यूज़र को ऑप्शन देंगे कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में एक्चुअल में होता क्या है? अब जो आज का मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम यूज़र को तीन ऑप्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट वन, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सेकंड, टू चेक वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग इज अपर केस और नॉट, एंड द लास्ट वन इज द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखो, जो भी चीज़ हम यूज़र को देना चाह रहे हैं चॉइस में, राइट, वो हम सब किस में लिखेंगे? प्रिंट फंक्शन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट? ये आपके ऊपर है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप दिस लाइन, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने यूजर को एक फर्स्ट ऑप्शन दिया, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? सेकेंड ऑप्शन हमने यूजर को दिया है कि चेक वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इज अपर केस और नॉट। अब देखो, अगर मुझे अपने स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पर अपना बैक स्लैश लगा करके और फिर नेक्स्ट लाइन में इसको मेंटर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड ऑप्शन, टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, कि मुझे अपने स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है। ये तीन ऑप्शंस मैंने प्रिंट फंक्शन में लिखे, तो दैट मीन्स ये आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, यूज़र से चॉइस एंटर करानी है। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसमें मैंने देखो 1 2 3 एंटर करेगा, इंटीजर टाइप का होगा ना, तो यहाँ पर मैंने इंट फंक्शन लिख लिया। उसके बाद हमने बोला यूज़र को एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर यूज़र अपना चॉइस एंटर करेगा। अब यूज़र के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एंटर 1 2 या फिर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ में लिख देंगे, इफ़ CH=1, कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो मुझे क्या काम करना है। अगर यूज़र ने एलिफ लगा देंगे, अगर यूज़र ने 2 एंटर किए उसका कोड, फिर एलिफ लगा करके अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है तो उसका कोड लिखोगे, और एट द एंड एक एल्स पार्ट लिख दोगे कि अगर यूज़र ने इसके अलावा कुछ और एंटर किया है तो हम उसको बोल देंगे यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट। राइट, अब फर्स्ट क्या है मेरे पास, बहुत इजी है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, राइट? अब इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम अपना इनबिल्ट लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एस। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो, अगर आप चाहो तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि स्ट्रिंग, आप क्या सोच रहे हो कि मैं इसको यहाँ पर भी एंटर करा सकते हैं, बिफोर इफ स्टेटमेंट, राइट? तो अगर यहाँ पर एंटर कराओगे, ठीक है, और फिर यूज़र ने 4 5 6 कुछ और एंटर कर दिया, तो चॉइस तो रॉन्ग एंटर किया है, बट स्टिल उसको हम कह रहे हैं कि भाई तुम स्ट्रिंग एंटर करो, वो क्यों एंटर करें, राइट? तो इसलिए जो आपकी चॉइस है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना ये इफ़ के अंदर इस स्ट्रिंग को एंटर करा रहे हैं, ठीक है?
एक थर्ड और कर लेते हैं, मुझे क्या करना है यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगेन मैंने यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर कराई, उसके बाद रिवर्स के लिए देखो मैंने अपना वो स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज किया कॉलन कॉलन माइनस वन, इससे क्या होता है हमारी जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग और इसको हमने लिख दिया आर की वैल्यू प्रिंट करा दी, राइट। अभी पहले हम इतना एग्जीक्यूट करके देखेंगे फिर हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे, राइट। यहाँ पर हम सिर्फ अभी के लिए एक स्ट्रिंग एंटर करा के रख लेते हैं यूजर से, राइट। चलिए हम इसको सेव करेंगे, लेट्स सी कि इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। देखो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ आ गया, ये यूजर ने जो ऑप्शन सेलेक्ट करने वो तीन आ गए, ठीक है। ये देखो लाइन आपके जो स्ट्रिंग है मल्टीपल लाइंस में आ रही है, राइट। अगर आपको यहीं पर ब्रेक करना हो ना, मीन्स आपको इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली एक स्लैश लगाइए और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर दो। उसके बाद मैंने यूज़र से पूछा एंटर योर चॉइस, यूज़र ने एंटर किया वन। अब मैंने स्ट्रिंग एंटर करी लेट्स सपोज स्वाति। अब टोटल कैरेक्टर्स दैट मीन्स लेंथ कितनी है, फाइव। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फाइव। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है, मैंने एंटर किया चॉइस थ्री और रिवर्स में लेट सपोज एंटर किया मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये पाइथन प्रोग्रामिंग का रिवर्स होकर के आ गया। अब हमारे को जो करना है दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या कहते हैं, एंटर चेक वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इज इन अपर केस और नॉट, दैट मीन्स कि मैं एक स्ट्रिंग एंटर कराऊंगी, राइट। अब मुझे देखना है कि सपोज मैंने एंटर कराया हेलो माय नेम इज स्वाति, तो मैं देख रही हूँ हेलो का एच, माय का एम, नेम का एन, इज का आई और स्वाति का एस, इस हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है या फिर नहीं है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यूजर से स्ट्रिंग एंटर कराई। देखो जब भी मेरा क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड हो तो आपके माइंड में फौरन स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे मेरा स्प्लिट फंक्शन यूज़ करना है, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो मेरे को जो मैं स्ट्रिंग एंटर करूँगी मुझे एक एक वर्ड को वो सेपरेट करके दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग ली, कोई एक मैंने वेरिएबल ये लेट सपोज वर्ड्स नेम से उसको मैंने अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो बाई डिफॉल्ट वो किससे स्प्लिट करेगा, ब्लैंक स्पेसेस से। अब अगर चाहो तो मैं आपको यहाँ पर इस वर्ड्स वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके दिखाती हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो माय नेम इज स्वाति चावला, राइट। अब देखो मेरे पास क्या आया, यहाँ से लिस्ट के फॉर्म में आ गया और देखो हर एक वर्ड मेरा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। व्हाट डज दिस मीन, अब देखो मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ध्यान से देखना अब आप लोग। नाउ सी, अब ये मेरे पास किसके फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो दैट मीन्स मैं अपना लिस्ट पर फोर लूप लगा सकती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फोर वर्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स तो मेरी ये वाले लिस्ट है, तो ये एक मैंने आइटरेटर वेरिएबल लगा लिया। तो जब मैं इस वर्ड्स वाले लिस्ट पर फोर लूप लगाऊंगी तो मेरे पास एक एक वर्ड आएगा, तो पहले मेरे पास इस वर्ड वेरिएबल में क्या आएगा, हेलो, राइट। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ, इफ वर्ड जीरो स्टार्टिंग का देखना ना, जब जीरो डॉट मुझे देखना है वो अपर केस में है या नहीं है, जीरो डॉट इज अपर, राइट। अगर वो क्या है ट्रू, राइट, तो मैं अपना क्या करूँगी, देखो एक प्रोग्राम को करने के मेरे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, सेकंड वाला मेथड बहुत इजी है, मुझसे भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, मैंने वर्ड से क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको चाहे हटा दो, फॉर वर्ड्स, हाँ सॉरी, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, उस लिस्ट पर मैंने फोर लूप लगाया, फिर मैं उसका जीरोथ इंडेक्स का कैरेक्टर चेक कर रही हूँ।
अगर वो क्या है, इज अपर, अगर वो अपर केस में है तो मैंने कोई ना एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, उसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया लेट सपोज जीरो से, और जब जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया वन, तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट टाइम देखो वर्ड वाले वेरिएबल में माई आएगा, फिर नेम आएगा, ये हमने स्ट्रिंग ली थी राइट, स्ट्रिंग हमने कौन सी ली, हेलो माई नेम इज स्वाति राइट। अब देखो वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, हेलो, इसका जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर चेक करेगा क्या वो अपर केस में है, ट्रू, ट्रू है तो फॉन्ट में वन कर दे, पहले क्या था जीरो, अब मेरे पास फॉन्ट में कितना हो गया वन, ठीक है। अब देखिएगा क्या वो नेक्स्ट वर्ड, फोर लूप लगाया ना तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा माई, अब वो देखेगा कि क्या वो अपर केस में है, फॉल्स नहीं है ना, ठीक है, तो दैट मीन्स वो फिर नेक्स्ट करेगा, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट ना करें ब्रेक के थ्रू कर सकते हो, बट लेट सपोज मेरे पास सारे अल्फाबेट कैपिटल हैं तो फिर वो नेक्स्ट वर्ड पर आएगा एम, कैपिटल है फॉर्म में वैल्यू टू, नेक्स्ट है एन, कैपिटल है थ्री, फिर आई कैपिटल है फोर, फिर एस कैपिटल है फाइव, तो दैट मीन्स अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में हैं तो फाउंड की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, जितनी मेरे लिस्ट में वर्ड्स होंगे दैट मीन्स जितनी उसकी क्या होगी लेंथ होगी राइट। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने फाउंड को बंद कर दिया, इफ फाउंड की वैल्यू क्या है लेंथ ऑफ वर्ड्स है, दैट मीन्स कि जितने उसमें सारे हैं वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स यस ईच कैरेक्टर, क्या प्रिंट कराना है आप लोगों को, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड, यस फर्स्ट कैरेक्टर फॉर एवरी वर्ड इज इन अपर केस राइट, अदरवाइज हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारा एल्स पार्ट। एल्स में मैं प्रिंट करा रही हूँ नो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इज नॉट इन अपर केस राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, देखते हैं कि क्या हमने ये लॉजिक करेक्ट लगाया है, नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं करेक्ट कर देंगे ठीक है। मैंने लिखा हेलो माय नेम इज स्वाति चावला, तो आंसर दिखा रहा है कि नो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इज नॉट अपर केस ठीक है। अब जरा एक ट्रू वाला केस भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो माय नेम इज स्वाति चावला, मैंने सारे के सारे अल्फाबेट्स किस में लिखे कैपिटल में लिखे, अब वो दिखा रहा है विद बेस 10 एंटर योर चॉइस, ओके यहाँ पर तो टू एंटर करना है ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एंटर करी तो अभी ये अच्छा आई नहीं कैपिटल करा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक ही था, अब हम करेक्ट एंटर करेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ से हमने इस आई को भी क्या कर दिया कैपिटल ठीक है, सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट डिले। अब वो दिखा रहा है कि यस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इज इन अपर केस ठीक है। अब हमारे पास ना कैपिटलाइज फंक्शन होता है, क्या आपको पता है कि हमारा कैपिटलाइज फंक्शन क्या काम करता है, सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में मैंने लिखा हेलो माय नेम इज स्वाति चावला, राइट अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एस डॉट कैपिटलाइज, तो ये मुझे क्या करके दे रहा है, सिर्फ हमारा जो मैंने सेंटेंस एंटर किया है राइट, उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या करेगा कैपिटल, और बाकी सबको क्या, अगर वो कैपिटल है तो उसको क्या कर देगा स्मॉल कर देगा, तो दैट मीन्स जो हमारा कैपिटलाइज फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है, हर एक वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल नहीं कर रहा ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया तभी हमने अपने वर्ड्स को क्या करा, मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग थी उसको हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया राइट। देखो एक प्रोग्राम को करने के काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं नो डाउट, आप इसको ज़रूरी नहीं आपको इसी यही लॉजिक यूज़ करना है, कुछ भी लॉजिक यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल नेम्स कोई भी लिख सकते हो राइट। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या करा, जो हमारी स्ट्रिंग थी पहले उसको स्प्लिट कर दिया सो दैट मेरे पास वर्ड्स आ जाएं, फिर मैंने अपने वर्ड्स पर फॉर लूप लगा दिया, एक एक वर्ड आ रहा है
अब मैं उस वर्ड के जीरो इंडेक्स को चेक कर रही हूँ कि क्या वो अपर केस में है या नहीं है। अगर है तो मैं उस फाउंड के वेरिएबल को इंक्रीज कर रही हूँ बाय वन, एल्स पार्ट में मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है ना। अगर एट द एंड, क्योंकि फाउंड आपका उतनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है जितनी बार वो अपर केस में आ रहा है, तो अगर मेरे पास जो लिस्ट की लेंथ है ये वर्ड्स वाली लिस्ट की, वो इक्वल आ रही है फाउंड के, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा जितनी बार फाउंड इंक्रीमेंट होगा दैट मीन्स हर बार हो रहा है तो सारे अल्फाबेट्स कैपिटल हो गए हैं मतलब, ठीक है। तो अगर वो उसके इक्वल है तो मैं प्रिंट करा रही हूँ येस ऑल मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड इज इन अपर केस, अदरवाइज मैं प्रिंट करा रही हूँ नो, राइट। एक हम रॉन्ग चॉइस का भी कर लेते हैं, लेट सपोज यूजर ने एंटर किया 6, तो यहाँ पर आगे यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनकरेक्ट चॉइस, एंटर्ड की स्पेलिंग हम यहाँ से करेक्ट करें, राइट, क्लियर हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, लॉजिक क्लियर हुआ हो, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आगे आने वाली और वीडियोस किस टॉपिक पर या किस प्रोग्राम पर चाहिए। बिकॉज यू नो आप लोगों के जितने कमेंट्स आते हैं मैं सारे उसको रीड आउट करती हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होता है, और इवन जो आप लोगों के रिक्वेस्ट होती है उसके भी हम अपना काफ़ी सारे जो मीन्स जो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आती है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।